हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस स्कूटर का रिव्यू करने वाले हैं, ये हीरो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च हुआ हीरो जूम ZX, और ये 110 सीसी में आता है। इसमें 3 वेरिएंट मिलते हैं, LX, VX एंड ZX। और VX का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं उसके सभी फीचर्स और क्या उसका प्राइस है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटी सी विंडशील्ड दी गई है ब्लैक कलर में। इसमें पियानो ब्लैक कलर का भी यूज़ किया गया है, और ये इसके इंडिकेटर्स यहाँ पर भी पियानो ब्लैक कलर इसमें देखने को मिलेगा आपको। हीरो की बैजिंग इसमें दी गई है, और मैट ब्लैक कलर में यहाँ पर ये वाली पोजीशन इसमें दी गई है। और नीचे की तरफ सिग्नेचर एच शेप में इसके हेडलैम्प्स प्रोवाइड होते हैं, जो कि प्रोजेक्टर में आते हैं। और ये डे टाइम रनिंग लाइट इसकी काफ़ी ब्राइट दी गई है। मैं फर्दर इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कितनी इसकी ब्राइट मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है दूर से ये देखने पर। नीचे की तरफ इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें ऑफर किए जाते हैं, साथ में जूम की इसमें ग्राफिक्स देख सकते हैं, और पियानो ब्लैक कलर का इसमें भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं दोनों साइड्स में। इसमें अलॉय व्हील भी प्रोवाइड होते हैं, जिनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रखा गया है। इस स्कूटर में आपको 90x90 12 इंच के टायर साइज़ देखने को मिलते हैं, और इसमें 190mm की डिस्क ब्रेक भी ऑफर की जाती है। साथ ही इस स्कूटर में आपको एक बहुत ही हाईलाइटेड फीचर देखने को मिलता है, जो कि आज तक किसी भी इंडियन स्कूटर में नहीं दिया है किसी भी कंपनी ने, एंड हीरो ने ये इस स्कूटर में दिया है, जो कि यहाँ पर साइड में ये आप लाइट्स देख सकते हैं। ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है, ये कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट्स है। जैसे ही अंधेरे में आप कभी भी कॉर्नरिंग करते हैं, मोड़ते हैं स्कूटर को, तो ये लाइट ऑटोमेटिकली जल जाती है। इससे पहले ये फंक्शन ओनली कार्स में आता था, बट ये हीरो ने इनिशिएट लिया एंड स्कूटर्स में भी ये प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी ज़बरदस्त इसका फीचर मुझे लगा। इधर सिल्वर कलर का भी ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है, और I3S की बैजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट में देखने पर इस टाइप का कुछ नज़र आता है। ये स्कूटर काफ़ी स्पोर्टी लगता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन पैटर्न इसका रखा गया है। ऊपर की तरफ इसमें 2 यहाँ पर रेयर व्यू मिरर दिए गए हैं, जिसपे कि यहाँ पर हल्का सा टेक्सचर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का यूज़ मिलता है। अब हम चेकआउट करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से, और देखते हैं कि क्या कुछ हमको फीचर्स और डिज़ाइन देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल इसकी इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पर जूम की बैजिंग देख सकते हैं, नीचे एक्स टैक, और यहाँ पर बूट स्पेस ओपन करने के लिए एंड फ्यूल लीड के लिए इधर ऑप्शन दिया गया है कि इसे आप इंसर्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है सामान रखने के लिए, यहाँ पर की इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है इग्निशन ऑन करने के लिए। ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन पैटर्न है इस टाइप का नज़र आता है, जिसमें पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, और साथ में क्रोम का भी इसमें यूज़ मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। फुली डिजिटली इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इस वाली साइड में अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट के लिए कंट्रोल दिए गए हैं, और इंडिकेटर ऑन करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, हॉर्न के लिए कंट्रोल्स, I3S की यहाँ पर बैजिंग देख सकते हैं, और ये इंजन किल स्विच इसमें ऑफर किया जाता है, साथ में इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन इसमें यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो सो ओवरऑल ये कुछ इसमें फ्रंट में कंट्रोल्स दिए जाते हैं हैंडल पे। अब मैं दिखाता हूँ इसका स्पीडोमीटर में क्या कुछ हमको फीचर्स देखने को मिलते हैं। उससे पहले आप ये देख सकते हैं 2 इस टाइप की कीज़ मिलती है। अब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। जैसे हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो इस टाइप की इसमें कलरफुल डिस्प्ले मिलती है, जिसमें कि सभी इन्फॉर्मेशन आप डिजिटली चेक कर सकते हैं। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, टाइम, रेंज एंड फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन इसमें चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इसमें इंडिकेटर, इंजन वार्निंग इसमें ऑफर की जाती है। साथ में इसमें एक और एडिशनल फीचर है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, और इसके अलावा एक और मैं अगर इसका फीचर दिखाऊं तो इसमें चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, जो कि थोड़ी सी और जगह पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर ये दिया हुआ है इसका चार्जिंग पॉइंट, जो कि विजिबल नहीं होता है, बट मैं बता देता हूँ कि इधर इसका चार्जिंग पॉइंट मिलता है यहाँ पर नीचे की तरफ। अब मैं दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। तो इस टाइप का इसमें बूट स्पेस दिया गया है, और नॉर्मल साइज़ का, मिड साइज़ का इसमें हेलमेट आप इजीली रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है। प्रैक्टिकली यहाँ पर आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये इस टाइप का हेलमेट इसमें इजीली आ जाता है। और साथ में इसमें ये वाली लैंप भी दिया गया है, जो कि LED में मिलता है। साथ में जब ये हेलमेट रखते हैं तो छोटा मोटा सामान रख सकते हैं इसमें, इतना स्पेस इसमें अवेलेबल होता है। और ये इसकी देख सकते हैं 5.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। जैसे कि ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें 109 kg का कर्व वेट मिलता है, और जो इसके लोअर वेरिएंट है LX एंड
VX उनमें 108 kg का इसमें कर्वेट ऑफर किया जाता है। एंड ये आप देख सकते हैं इसमें 110 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 8 bhp की एट 7250 rpm और मैक्सिमम जो इसमें टॉर्क मिलती है वो 8.70 nm मिलती है एट 5750 rpm। अगर मैं इसके रेयर टायर साइज की बात करूं तो VX एंड ZX में आपको 100x80 12 इंच का इसमें टायर साइज देखने को मिलता है। रेयर में आपको स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में। जैसे हम इसके रेयर प्रोफाइल में चलते हैं यहाँ पर एच शेप्ड में LED में टेल लैंप ऑफर किए जाते हैं, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर इसमें मिलते हैं और साथ में टर्न इंडिकेटर इसमें ऑफर किए जाते हैं। सो ओवरऑल जो इसकी रेयर प्रोफाइल है ऐसे कुछ मिलती है। ग्रैब हैंडल इसमें नहीं मिलता है, इसको ग्रैब करने के लिए यहाँ से आप जरूर इसको कर सकते हैं। इसकी सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो काफ़ी छोटी सीट इसमें रखी गई है एंड कुशनिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी रखी गई है। इस स्कूटर में आपको साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों देखने को मिलता है और किक स्टार्ट का भी इसमें ऑप्शन मिलता है सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ। फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूँ इसकी फ्रंट एंड रेयर लाइट। सो ये आप इस टाइप से इसकी डे टाइम रनिंग लाइट देख सकते हैं और इसके जो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है ये देख सकते हैं। सो नाइट में ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है। एंड रेयर से अगर मैं दिखाऊं आपको तो रेयर में इंडिकेटर एंड टेल लाइट इस टाइप की नज़र आती है। इसमें हीरो जो क्लेम करता है ये इसकी फास्टेस्ट एक्सेलरेशन क्लेम करता है, वो चलाने पे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा एक्सेलरेट ये करता है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट रिव्यू हीरो जूम ZX 110 cc जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू बाइक न्यू स्कूटर एंड न्यू अपडेट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।